मैं बस कहूंगा नहीं कि एक है, बस कहूंगा नहीं कि एक है, एक करके भी दिखाऊंगा, लड़की हुई तो क्या हुआ, जितना पढ़ेगी उतना पढ़ाऊंगा। और ये सिलाई बुनाई ही क्यों, और सिलाई बुनाई ही क्यों, मैथ साइंस में भी टॉप मारेगी, साथ मिलके प्रैक्टिस करेंगे हम, तो वो क्रिकेट में भी क्यों हारेगी। और उसकी शादी के लिए नहीं, उसकी शादी के लिए नहीं, उसके सपनों के लिए पैसे बचाए हैं, ये गुड़िया और ये गन दोनों उसी के लिए आए हैं। और बात है कि भरोसा बहुत है उस पर, भरोसा बहुत है उस पर, मेहनत जो इतना करती है, न सड़क के लफंगों से न न्यूटन के नियमों से डरती है। पर डरता तो मैं हूँ, डरता मैं हूँ कि कल जब मैंने अखबार खोला, हर तरफ एक खबर थी कि एक रेप हुआ था यहीं कहीं, एक रेप हुआ था यहीं कहीं, और नेता सब उसके घर झूठे मुआवजे लेकर जा रहे थे, कुछ लोग ऑनलाइन जस्टिस फॉर वुमन चिल्ला रहे थे। फिर कुछ ने सोचा इलेक्शन है और मौका ये बहुत अच्छा है, प्यार किसे पता चलता है कौन सा झूठा कौन सा सच्चा है, तो बस इसी गर्मा गर्मी में असली बात कहीं खो गई, सुबह रेप से शुरू हुई, शाम इलेक्शन पर जाकर सो गई। पर फिर एक आवाज़ बोली, हमारे आपकी जैसी कोई आवाज़ जो कम बोलती है पर अच्छा बोलती है, कि वो आवाज़ बोली कि ये रेप ना भाई साहब, ये कोई नई बात नहीं, और जो रेप मीडिया में नहीं क्यों लोग उनके साथ नहीं, और ये रेप क्या बस एक पल का खुमार होता है, या जो देखा बचपन से उसने सब उसे एक पल में शुमार होता है। जब बचपन में एक को गुड़िया दूसरे को गन थमाई थी, ये इनइक्वालिटी ना भाई उस पल से आई थी। घर पे कभी पापा ने, घर पे जब पापा ने मम्मी को गाली देकर शांत कराया है, लड़कियां कमजोर हैं इस बात का बीज उस एक पल से आया है। क्या छोटे कपड़े पहने थे, क्यों छोटे कपड़े पहने थे, ये सवाल जब जब जिसने पूछा है, इनइक्वालिटी के उस बीज को उसने तब तब सींचा है। अब शांत थे सब, अब शांत थे सब, कुछ सर भी झुकाए थे, सबके चेहरों पे शर्म और गिल्ट के साए थे। यारो बस कहो नहीं कि एक है, एक करके भी दिखाओ, कभी बेगम तुम्हारी लेट आए तो चाहे तुम भी बनाओ, और ये बराबर होंगी तेरे, ये बराबर होंगी तेरे, तो तू कमज़ोर नहीं हो जाएगा, असली मर्द वाली बात है, तो तू जोर इस पे नहीं आजमाएगा। तो बस कहेंगे नहीं है कि एक है, बस कहो नहीं कि एक है, एक करके भी दिखाओ। इंस्टाग्राम वाला फेमिनिज्म ठीक है, इक्वालिटी असली लाइफ में लाओ।